The Peshawar Museum is a museum located in Peshawar, capital of Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. The Peshawar Museum was founded in 1907 as Victoria Hall, in memory of Queen Victoria. The two-story building was built in a syncretic architectural style, consisting of British, Hindu, Buddhist and Mughal Islamic styles. The museum initially had only one exhibition hall, but two more were added in 1969 to 1970. The Peshawar Museum is notable for its collection of Buddhist artwork dating from the ancient Gandhara region. Gandhara and Greco-Buddhist art, Peshawar Museum has one of the largest and most extensive collections of Gandhara art of the Buddhist period and is considered to be one of the biggest collections of Buddhist objects in the world. These all things, which we call systematic excavations, or scientific methods, which have been dug during the process, have come out. तो इसलिए हमें हर चीज़ का पता है कि ये कौन से दौर से बिलोंग करती हैं या कौन से दौर से ताल्लुक़ रखती हैं या कहाँ कहाँ से ये निकली हैं, तो ये सबसे अहम बात है और इसी के बेसिस पे ज़्यादातर जो है रिसेंट रिसर्च वर्क जो है हमारे स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि जो इससे पहले जो पार्टीशन से पहले खुदाइयाँ हुई थी वो भी सिस्टमेटिक थी, मगर अंग्रेज़ों उस जो शुरू के अदवार में जो खुदाइयाँ हुई हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट अंग्रेज़ अफसरों का ख़ुद को मसरूफ़ रखना और यहाँ से एंटिक्विटी निकालने का था। तो गंदारा के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती यही हुई थी कि उसी दौर में जो वादी पेशावर हैं उसकी ज़्यादातर जो डेलियाँ हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनकी खुदाई हुई। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानते नहीं हैं कि ये कहाँ से निकली हैं या कौन से लेवल से हैं या कौन से दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे यहाँ जो है जो भी मटेरियल निकला है ज़्यादातर हमारा जो स्टफ़ है वो स्वात से निकला है और इसी वजह से हमें हर चीज़, चाहे वो किसी बर्तन की ठीकरी है या कोई स्कल्पचर है, तो हमें पता है कि ये कहाँ से निकली है या कौन से लेवल से निकली है, तो हम उसका प्रॉपर जो है क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट या उसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री हम बता सकते हैं कि ये कौन कौन से लेवल से बिलोंग करती है। हमारे यहाँ हमारे ज़्यादातर मसाइल का जो मेजर वजह है वो यही है कि हमारे यहाँ कानून हर चीज़ का बना हुआ है मगर उस पर अमल दरामद कोई नहीं करता। इस तरह आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जो खुदाई है वो गैर कानूनी है,
कोई भी इंसान, वो चाहे उसकी ज़मीन में है या प्रॉपर्टी में है या उसके घर में है या उसके खेतों में है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। मगर हमारे यहाँ इसलिए कि कानून है, उसको खुदाई कोई नहीं कर सकता, उसके लिए सज़ा भी है, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो लोगों ने खोद के उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और तमाम चीज़ों को, इसलिए कि उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट बुतों में होता है, ज़्यादातर लोग, हम लोग भी बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं कि इतने सोना निकल आया है या उसको बुत मिल गई है तो इतने में बेच दी है उसने, तो उसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा, हमारे लोगों में जो है पैसा कमाने का जो ज़्यादा शौक बढ़ रहा है या ज़्यादा पैसा कमाने का कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए लोग लगे हुए हैं, जगह जगह पर खुदाइयाँ कर रहे हैं। और बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो हुकूमत की भी मजबूरी है कि वो हर साइट पे चौकीदार बिठा नहीं सकता। तो इसी वजह से मसला यही है कि लोग जो हैं इलीगल डिगिंग्स कर रही हैं और यहाँ से चीज़ें निकाल के वो बाहर मुल्कों को जा रही हैं, स्मगल हो रही हैं, और इसी वजह से हमारे ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो बुतों के साथ साथ, चाहे वो उनको दीवार मिलती है, चाहे वो स्टूपा है या वो कमरा है, तो वो भी उसको मिसमार करके तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा अलमिया है हम लोगों का कि हम खुद ही अपने हाथों से इस विरसे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो बाद में आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। उसका अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको म्यूज़ियम को भी डोनेट कर सकते हैं। अक्सर लोग हैं जो अपना पर्सनल कलेक्शन रखते हैं, मगर वो चाहिए कि अक्सर उनकी डेथ के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स या तो उसकी केयर नहीं करते या पैसे कमाने के शौक में वो बेच देते हैं उसको। तो अगर उनके नाम से वो डोनेट कर दी जाएँ किसी म्यूज़ियम को, तो मेरे ख़्याल में उनका ठीक है, पैसा तो उनको मिल जाता है, मगर ये है कि उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए वो नाम जो है वो अमर हो जाएगा, और उन्हीं चीज़ों के साथ हम उनका नाम लगा के लिखते हैं कि ये मिस्टर सो एंड सो या फ़लाँ फ़लाँ ने जो है ये चीज़ें हमारे म्यूज़ियम को डोनेट की थी, और यही जो है आप यानी ता हयात उनकी उनके डेथ के बाद जो है लाफानी हो जाता है एक तरह से उनका नाम उसके साथ, जब तक वो म्यूज़ियम रहेगा, जब तक उसका वो कलेक्शन रहेगा उस म्यूज़ियम में, तो उसका नाम आता है। और इसी तरह आप ब्रिटिश म्यूज़ियम जा सकते हैं, हमारे लाहौर म्यूज़ियम में बहुत सारे लोगों ने अपनी डोनेशंस दी है। ख़रीदते भी हैं, म्यूज़ियम ख़रीदते भी हैं, मगर डिपेंड करता है म्यूज़ियम पे। अब हमारा म्यूज़ियम है यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम है, तो हमारे पास तो ना फंड्स हैं ना ये हैं कि हम बस जो अपना म्यूज़ियम है उसको चला रहे हैं। कुछ म्यूज़ियम्स हैं जैसे लाहौर म्यूज़ियम हो गया या पेशावर म्यूज़ियम, तो उनको इस सिलसिले में फ़ंड्स मिलते हैं और वो लोग जो हैं फिर परचेज़ भी करते हैं। मगर हमारे यहाँ मैंने जैसे बताया कि हम लोग ज़रा बड़ा चढ़ा के बात को बयान करते हैं, कोई चीज़ आती है तो मेरे ख़्याल में अगर आठनी की चीज़ है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो हज़ार की है, तो इसी तरह चलता रहता है लोग, तो इसलिए कि वो अफोर्ड ही फिर ज़्यादातर म्यूज़ियम नहीं कर सकते कि जितना लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं।